हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। जैसा कि आज है मंडे और टाइम होने वाला है रॉक के न्यू एपिसोड का। अब स्टोरी लाइन सुपर शोडाउन के लिए आगे बढ़ रही हैं। वहीं WWE ने इस एपिसोड के लिए दो बड़े मैच भी अनाउंस किए हुए हैं, जिसमें से एक टाइटल मैच भी शामिल है। वहीं देखेंगे कि और क्या क्या दिखता है रॉक के इस एपिसोड पर, सब पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं वुमेन्स डिवीजन से। तो लास्ट वीक शार्लेट फ्लेयर ने आके NXT चैंपियन रेहा रिप्ले को भी चैलेंज करने की बात करी थी। उसके बाद शार्लेट NXT में भी दिखाई दी थी, जहां बियांका ब्लेयर और रेहा रिप्ले भी मौजूद थी। अब आने वाले रॉ के इस एपिसोड में बियांका और रेहा रिप्ले दोनों दिख सकती हैं, जो कि शायद शार्लेट फ्लेयर के साथ किसी तरह के अटैक में शामिल होती हुई दिख सकती हैं। इससे WWE एक साथ दो काम करेगी। पहला रेहा रिप्ले वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच NXT टेकओवर में होने वाले NXT वुमेन्स चैंपियनशिप मैच के लिए हाइप बना सकेगी, और वहीं शार्लेट फ्लेयर और रेहा रिप्ले के बीच स्टोरी लाइन को आगे बढ़ा पाएगी WrestleMania 36 के लिए। वहीं WWE ने इस एपिसोड के लिए एक बार फिर से बैकी लिंच वर्सेस आस्का के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिखाई देगा। अब इन दोनों के बीच हम रॉयल रंबल में भी मैच देख चुके हैं, बट एक बार फिर से WWE ने इस एपिसोड के लिए इन दोनों के बीच मैच बुक कर दिया है। रिंग साइड कायरी भी मौजूद होंगी। उम्मीद है अच्छा मैच साबित होगा इन दोनों के बीच, अगर WWE इसे प्रॉपर टाइम देती है तभी। कायरी सेन का भी काफी इंटरफेयर दिखेगा इस मैच में। जीत यहां बैकी लिंच की होगी। लगता नहीं है कि वो WrestleMania 36 से पहले टाइटल गवा बैठेंगी। अब लास्ट वीक सभी को चौंकाते हुए लिव मॉर्गन वर्सेज लाना के मैच में रूबी राइट ने वापसी करी। रूबी और लिव मॉर्गन एक ही टीम के मेंबर रह चुकी हैं, बट रूबी ने वापसी के बाद आके लिव मॉर्गन पर अटैक करा, जिसके बाद लग रहा है कि आने वाले इस एपिसोड में लिव मॉर्गन वर्सेज रूबी राइट के बीच 1-on-1 मैच देख सकता है, जहां जीत रूबी राइट की होती दिखाई देगी, और हो सकता है कि रिंग साइड से लाना रूबी की हेल्प करती हुई दिखाई दे जाएं। जैसा कि आंद्रादे WWE से सस्पेंड चल रहे हैं, और लास्ट वीक उनकी जगह जेलिना वेगा एंजल गार्जा को लेकर आई थी, जिन्होंने आके कार्लियो पर अटैक करा था और फिर रे मिस्टीरियो के खिलाफ मैच भी लड़ा था। अब आने वाले इस एपिसोड में उम्मीद है कि गार्जा और कार्लियो आमने सामने आएंगे और इन दोनों के बीच मैच भी दिख सकता है, और इसका सेंस भी बनता है क्योंकि लास्ट वीक इन दोनों के बीच झड़प दिखाई दी थी, और कार्लियो इस एपिसोड में चाहेंगे एंजल गार्जा से अपना बदला लेना। अब अगर मैच होता है तो देखना होगा कि कौन बाजी मारता है इन दोनों के बीच में। वहीं ड्रू मैकइंटायर रॉयल रंबल जीतने के बाद से ही नॉर्मल मैचेस में देखने को मिल रहे हैं। लास्ट वीक उन्होंने कुछ ही देर में मोजो रॉली को हरा दिया था। अब देखना होगा कि WWE उन्हें आगे कैसे बढ़ाती है और वो सुपर शोडाउन में दिखेंगे भी या नहीं। अगर दिखेंगे तो किसके खिलाफ दिखेंगे, क्योंकि उनकी स्टोरी लाइन अभी तक किसी के साथ दिखाई नहीं दे रही है। अब हो सकता है कि WWE उन्हें फिर से इस एपिसोड में किसी फॉर्मल मैच में लड़ाती हुई दिखा दे। अब लास्ट वीक सुपर शोडाउन में ब्रॉक लेसनर को कौन फेस करेगा, उसके लिए रॉ पर हमें नंबर 1 कंटेंडर मैच दिखा था, जिसे रिकोशे ने जीत लिया था। वहीं ब्रॉक लेसनर के इस एपिसोड में दिखने के चांसेस बहुत कम हैं, जिस वजह से हो सकता है कि WWE इस एपिसोड में रिकोशे वर्सेस बॉबी लैशले के बीच एक मैच दिखा दे, क्योंकि ये दोनों लास्ट वीक ट्रिपल थ्रेट मैच में एक दूसरे से बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। WWE इस मैच को करा के रिकोशे को थोड़ा मोमेंटम देना चाहेगी। वैसे भी बॉबी लैशले और रूसेव की स्टोरी लाइन पिछले 2 हफ्ते से नहीं दिख रही है, क्योंकि रूसेव ही 2 वीक से WWE रॉ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब WWE ने इस एपिसोड के लिए 8-man टैग टीम मैच भी अनाउंस कर दिया है, जो कि केविन ओवन्स, समोआ जो, विकिंग राइडर्स वर्सेस मर्फी, सेथ रॉलिंस और ऑथर ऑफ पेन के बीच दिखेगा। पहले भी हम इनके बीच मैच देखते आए हैं। समोआ जो इस एपिसोड में दिखाई देने वाले हैं, जो कि काफी अच्छी बात है कि उनकी इंजरी सीरियस नहीं है। वहीं मैच तो अच्छा होना चाहिए इन सभी के बीच। मुझे लगता है जीत यहाँ केविन ओवन्स, विकिंग राइडर, समोआ जो की होगी, क्योंकि पिछले काफी टाइम से इनको सेथ रॉलिंस और मर्फी के खिलाफ हारते हुए दिखाया जा रहा है, और WWE केविन ओवन्स, समोआ जो, विकिंग राइडर्स को जिता के इनके बीच की स्टोरी लाइन को कंटिन्यू रखना चाहेगी। वहीं रॉयल रंबल के बाद एज ने जब रॉ पर वापसी करी तो रैंडी ऑर्टन ने उन्हें बुरी तरह मारा था। अब लास्ट वीक ऑर्टन के साथ फैंस ने क्या करा वो हम सभी ने देखा था, और वो बिना कुछ कहे चले गए थे। मुझे लगता है कि शायद एज इस एपिसोड में दिखेंगे और एक बार फिर से रैंडी ऑर्टन उन पर बुरी तरह से अटैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसा करवा के WWE रैंडी ऑर्टन के लिए फैंस से और हीट बढ़वाएगी, ताकि इनके बीच होने वाले मैच के लिए जबरदस्त हाइप बना सके और मैच अच्छा साबित हो सके। अब देखना होगा कि रॉ से सुपर शोडाउन के लिए कितने मैच सामने आते हैं। वैसे देखना हो ये भी होगा कि इस एपिसोड में कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है या नहीं। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।